न्यू चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आज जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं वो है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। पहली बात, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम दोनों रियलिटी में एग्जैक्टली सेम नहीं है, काफ़ी हद तक सिमिलर है लेकिन पूरी तरह से सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस, उसको थोड़ी देर में समझेंगे। पहले ये समझते हैं दोनों में सेम क्या है, और दोनों में सेम है एक खास फीचर कि दोनों सिस्टम वहाँ फॉलो किए जाते हैं जहाँ पर कोई चीज़ हम खरीदते हैं लेकिन उसकी पूरी कीमत उसी वक्त नहीं चुकाते हैं, बल्कि उस पेमेंट को हम धीरे 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 फ्यूचर में किश्तों में पे करते हैं। तो हायर परचेज हो चाहे इंस्टॉलमेंट सिस्टम, दोनों में आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि पेमेंट पूरी एक साथ नहीं की गई है बल्कि पैसा टुकड़ों में चुकाया जा रहा है। अच्छे से समझने के लिए कि कैसे सिस्टम वर्क करता है हम एक एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं। मैं कहता हूँ से हमें एक स्कूटर खरीदना है। अब स्कूटर खरीदने के लिए ऑब्वियसली हम शोरूम जब जाएंगे तो वहाँ पर जाते ही सबसे पहले हमें स्कूटर की कीमत पूछनी है और उसके बाद पूछने कि इसकी पेमेंट करने की क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो जब हम गए स्कूटर खरीदने के लिए, वहाँ पे हमें एक स्कूटर पसंद आ गया जिसकी कीमत 70,000 रुपये हमें बताई गई। पेमेंट की ऑप्शन पूछने पर उन्होंने हमारे को दो ऑप्शन वहाँ पर दी। पहली ऑप्शन थी कि हम पूरी पेमेंट जो कि 70,000 रुपीज़ है उसी वक्त पे कर दें और स्कूटर के मालिक बन जाएं। दूसरी ऑप्शन उन्होंने हमें दी कि आप ये सारा पैसा इकट्ठा मत दें, आप केवल 20,000 रुपीज़ की फिलहाल पेमेंट कर दें। तो दूसरी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो उसमें भी हमें जो पेमेंट करनी है वो कितनी करनी है, करनी तो 70,000 लेकिन शुरू में केवल 20,000 रुपीज़ की हमसे मांग रही जा रही है डाउन पेमेंट, उसी वक्त जो पेमेंट करनी पड़ रही है वो है 20,000 रुपीज़। रह गए हमारे कितने पैसे, 50,000 रुपीज़। शोरूम वाले 50,000 रुपीज़ पे करने के लिए हमें थोड़ा सा समय दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको पूरे 50,000 रुपये इकट्ठा देने की ज़रूरत नहीं, बचे हुए आप उसे महीने महीने की किस्तों में दे सकते हैं। और हमने विचार किया कि हम 5,000 रुपये महीने की 5,000 रुपीज़ पर मंथ की किस्तों में पेमेंट कर देंगे। तो 50,000 रुपीज़ हमारा बैलेंस है, 5,000 की इंस्टॉलमेंट में अगर पेमेंट करें तो 10 इंस्टॉलमेंट में बात बन जाएगी। तो हमने बोला ठीक है जी, हम 5,000 रुपीज़ जो रिमेनिंग है उसकी 10 इंस्टॉलमेंट बना दो, पेमेंट कर देंगे 20,000, ये 50,000 हो गए पूरे 70,000। बट शोरूम वाले ने बोला कि भैया जी अगर आप इंस्टॉलमेंट बनवाओगे तो आपको 5,000 की इंस्टॉलमेंट तो देनी पड़ेगी लेकिन 10 नहीं 12 देनी पड़ेंगी, 12 किस्तें बनेंगी। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो थोड़ा सा हमारा माथा खनका, क्या अरे ये तो 60,000 रुपये बन रहे, 20 पहले दिए 60 अब दिए, टोटल कितने हो गए 80,000 रुपये। जबकि पहले तो आप बोल रहे थे 70,000 रुपये का लेकिन जब किस्तों पे बात हुई तो कितनी हो गई 80,000 रुपये। आपने ये चीज पक्का ऑब्जर्व की होगी कि जब हम चीज कोई किस्तों में खरीदने जाते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करते हैं तो वो चीज अपनी असली कीमत से ज्यादा दाम चुका के हमें मिलती है। रियलिटी में अच्छे से समझ लेना कि चीज ये 70 की है लेकिन यहां पर 70 के 80,000 क्यों हो गए, क्योंकि जब भी कोई पेमेंट डिले की जाती है तो आपको दो चीजों की पेमेंट करने के लिए बोला जाता है। भाई 70,000 रुपये जो रियलिटी में आपने यहां पे किए वो है उसकी कॉस्ट, लेकिन जब आप किस्तों पर कोई चीज खरीदते हैं, जब आप पेमेंट को डिले करते हैं तो जो पेमेंट आपने डिले की है उस पर आपको ब्याज भी देना पड़ता है। तो जो यहां पे 70,000 की चीज है वही चीज 70,000 की है लेकिन वहां पे आपने केवल कॉस्ट की पेमेंट की, यहां पे आपको कॉस्ट भी देनी पड़ेगी और जो आपने डिले किया उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो 70 से हो गए 80, चीज तो 70 की है, 10,000 रुपीज जो बढ़ोतरी हुई है वो जस्ट बिकॉज ऑफ डिले इन पेमेंट हुई है। जितना ज़्यादा आप डिले करोगे उतना ही ज़्यादा आपसे इंटरेस्ट वसूला जाएगा, जिसकी वजह से कीमत में बढ़ोतरी हमेशा नज़र आती है जब हम पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में करते हैं। तो चाहे आप हायर परचेज में हो चाहे आप इंस्टॉलमेंट में, ये फीचर आपको देखने के लिए मिलेगा। पहली चीज, जैसे ही कॉस्ट से हम इंस्टॉलमेंट में जाएंगे कीमतों में बढ़ोतरी, और बढ़ोतरी का कारण हमें पता होना चाहिए, बढ़ोतरी का जो कारण हुआ है वो जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट हुआ है, और जितना ज्यादा समय हम मांगेंगे उतना ही ज्यादा उसका इंटरेस्ट वाला अमाउंट बदलेगा, कॉस्ट तो नहीं बदलेगी, कॉस्ट तो वही है, ब्याज उसका बदल जाएगा। यह है सिमिलैरिटी की बात। अब बात कर लेते हैं डिफरेंस की बात।
हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो है ऑनरशिप के ट्रांसफर होने का। और ये जो ऑनरशिप का ट्रांसफर है वो या तो फर्स्ट पेमेंट पे होता है या तो लास्ट पेमेंट पे होता है। अगर फर्स्ट पेमेंट पर ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है तो उसे बोलते हैं इंस्टॉलमेंट सिस्टम, और अगर लास्ट पेमेंट पर ऑनरशिप ट्रांसफर होती है तो उसे बोलते हैं हायर परचेज सिस्टम। अब क्या मतलब है इसका और क्या इसका इंपैक्ट पड़ता है उसको समझ लें। अगर आप इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे होंगे तो जैसे ही आपने डाउन पेमेंट की वैसे ही आप इस प्रोडक्ट के, इस स्कूटर के ऑनर कहलाएंगे, आप इस स्कूटर के मालिक हो गए। और ध्यान रखना, मालिक बने हैं आप 70,000 रुपए के स्कूटर के और आपने पेमेंट की है ओनली ₹20,000, तो बचे हुए सारे के सारे पैसे जो आपको इंस्टॉलमेंट में चुकाने पड़ेंगे वो आपके ऊपर लोन कंसिडर किया जाएगा। तो 50,000 रुपए का लोन था जिसके ऊपर ब्याज में लगा के आपसे 60,000 वसूले के, तो अगर आप इंस्टॉलमेंट सिस्टम में है तो आप पहले दिन ऑनर बन जाएंगे, फर्स्ट पेमेंट में ऑनर बन जाएंगे, जो बैलेंस बचेगा वो कहलाएगा लोन। अगर आप हायर परचेज सिस्टम में है तो आप पहले ऑनर नहीं बनेंगे, आप ये जितनी भी पेमेंट कर रहे हैं उसे रेंट कंसीडर किया जाएगा। पेमेंट उतनी ही होंगी जितनी इंस्टॉलमेंट सिस्टम में है, कुछ कम नहीं कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन जितनी भी आपने पेमेंट की है वो रेंट की पेमेंट मानी जाएगी। और आपको ऑनरशिप कब मिलेगी, जब आप ये 12th इंस्टॉलमेंट, आखिरी इंस्टॉलमेंट जब पेड कर देंगे तब आप इसके ऑनर कंसीडर किए जाएंगे। ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में फर्स्ट पेमेंट पे ऑनरशिप, बाकी बचा पैसा लोन है और लोन को आपको लौटाना पड़ेगा। हायर परचेज में जितनी भी पेमेंट आपने की है वो सारी की सारी पेमेंट 11th इंस्टॉलमेंट तक, इवन यहां तक, वो रेंट है। और 12th इंस्टॉलमेंट की पेमेंट, आखिरी रेंट की पेमेंट करने के बाद वो बन जाएगी आपकी प्रोडक्ट, आपकी चीज बन जाएगी, मतलब आपको ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है और कहां पर ये सिस्टम फॉलो करना चाहिए उसकी भी बात कर लेते हैं। इसका इंपैक्ट ये पड़ता है, अगर मैं फर्स्ट डेट पे ऑनरशिप ट्रांसफर कर दूं, मतलब इंस्टॉलमेंट सिस्टम फॉलो करूं, और बाद में डिफॉल्ट कर दूं, बाद में पेमेंट ना करूं, तो कंपनी, क्योंकि मुझे लोन उसने दिया था, लोन की रिकवरी का सूट फाइल करेगी, ना कि चीज को रिकवर करने का सूट। तो अगर इंस्टॉलमेंट सिस्टम है, पेमेंट में हुआ डिफॉल्ट, तो कंपनी लोन की रिकवरी करेगी। लेकिन अगर हायर परचेज सिस्टम है और पेमेंट में हो गया डिफॉल्ट, तो कंपनी ने मुझे लोन दिया ही नहीं हुआ, कंपनी तो मुझसे रेंट की वसूली कर रही थी, इसलिए वो चीज को वापस लेगी, मेरे ऊपर लोन की पेमेंट करने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लें। यहां पर अगर आप इंस्टॉलमेंट सिस्टम फॉलो करते हैं तो आप इसमें बैक स्टेप नहीं कर सकते। आपको एक चीज पसंद नहीं है, आपने एक किश्त दी, दो किश्त दी, लेकिन उसके बाद आपका मन नहीं करता पेमेंट करने का, तो आप बैक स्टेप नहीं कर सकते, आपको सारी पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इस चीज के ऑनर पहले दिन बन गए थे और अब लोन का पैसा आपको लौटाना ही पड़ेगा। हायर परचेज सिस्टम में क्या है, हायर परचेज सिस्टम में आपको ओनरशिप नहीं दी गई है। अगर आपको वो चीज अच्छी नहीं लग रही है जो आपने यूज किया, तो आप एक इंस्टॉलमेंट, दो इंस्टॉलमेंट, तीन इंस्टॉलमेंट करने के बाद आगे की इंस्टॉलमेंट देना बंद कर सकते हैं और आपसे कोई वसूली नहीं की जा सकती, क्योंकि आप तो रेंट की पेमेंट कर रहे थे, जिसकी वजह से आप इसको बीच में अगर ब्रेक कर देते हैं आगे की इंस्टॉलमेंट को, तो फिर आपको चीज वापस लौटानी पड़ेगी, आपसे बचे हुए पैसे के लिए केस सूट फाइल नहीं किया जा सकता। अब इसका एक और इसका इफेक्ट पड़ सकता है, जो चीजें रियलिटी में ऐसी होती हैं जिनको अच्छी खासी वैल्यू पे, जिनकी मार्केट के अंदर रीसेल वैल्यू लगाई जाती है अच्छी तरह से, या जो मार्केट के अंदर सेकंड हैंड इजीली सेलेबल चीजें होती हैं, उन्हीं पर रियलिटी में हायर परचेज सिस्टम फॉलो किया जाता है। जिन चीजों पे रीसेल होना मुश्किल होता है उनके अंदर नॉर्मली इंस्टॉलमेंट सिस्टम ही फॉलो किया जाता है। अभी मैंने जो यहाँ पे बात की स्कूटर की, कार की, बाइक की, इस तरह की चीजें आपको हायर परचेज सिस्टम पे मिल जाती हैं। क्यों हायर परचेज सिस्टम पे मिल जाती है, लेकिन क्योंकि जो सेकंड हैंड ये जो स्कूटर कार बाइक है उनका काफ़ी अच्छा मार्केट होता है, और अगर कोई इंस्टॉलमेंट पे ना करे तो कंपनी वाले उसको ईजिली दूसरे ग्राहक को बेच पाते हैं। बट अगर आप मोबाइल फोन खरीदने के लिए दुकानदार के पास जाएं और अगर वहां पे आप देखें तो वहां पे कभी भी आपको हायर परचेज सिस्टम नहीं मिलेगा। आप वहां पे ये नहीं कह सकते कि मुझे हायर परचेज सिस्टम के ऊपर मोबाइल दे दो, 10,000 रुपए का मोबाइल मैं खरीदना चाहता हूँ, आप इसकी कुछ पेमेंट 1,000 रुपए की ले लो और बाकी 1,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट बना दो।
वहाँ पर हायर परचेज कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन होते हैं उसकी सेकेंड हैंड वैल्यू या सेकेंड हैंड मार्केट वैसी नहीं होती जैसे कि ड्यूरेबल प्रोडक्ट जो दूसरे होते हैं उनकी होती है। तो वहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन आपको मिलेगा वो ऑलवेज इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे मिलेगा, जिसमें फर्स्ट डे पर ही आपके ऊपर बाकी की सारी पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। लेकिन जहाँ पे अच्छी खासी रीसेल वैल्यू या अच्छी खासी मार्केट होती है सेकेंड हैंड प्रोडक्ट की, वहाँ पर आपको हायर परचेज सिस्टम भी देखने के लिए मिलेगा। और दोनों ही सिस्टम, चाहे हायर परचेज हो चाहे इंस्टॉलमेंट, आपको दोनों ही सिस्टम में कॉस्ट से ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। कॉस्ट है 70,000, चुकाने पड़ेंगे 80,000। और जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे अब आने वाले टाइम पे, उनमें सबसे पहली हमारी प्रॉब्लम होगी ये दोनों चीज़ें अलग अलग करने की। हमें हर एक वो क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो चीज़ हमने खरीदी है उसकी रियल कॉस्ट क्या है और उस पर हमने फाइनेंस चार्जेस कितने पे किए। क्यों इन दोनों को अलग करना ज़रूरी है? क्योंकि जो चीज़ हमारी कॉस्ट, जो हमारी कॉस्ट होगी उस पर तो लगाएंगे हम अपना डेप्रिसिएशन। अगर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर अब इस प्रोडक्ट को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, स्कूटर को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो भले ही आप फ्यूचर के अंदर पेमेंट 80,000 की करें, लेकिन जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो रियलिटी में थोड़ी वो 80,000 की है, चीज़ तो 70 की है। तो आपको असेट के अकाउंट में 70 ही लिखने हैं भले ही पेमेंट 80 की हो, और 10,000 पे जो फालतू दिए वो आपके फाइनेंस चार्ज हैं जिसको आप अलग से रिकॉर्ड करेंगे। तो इसलिए हर क्वेश्चन के अंदर, जो भी क्वेश्चन आप शुरू करेंगे, हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि असेट की कॉस्ट कितनी है और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। तब हम आगे जो क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे जिससे कि हमें पता चले कॉस्ट और इंटरेस्ट का हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट है। क्लियर है इतनी बात? अब इसके अंदर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सबसे पहले करते हैं, और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए आपके नोट्स अगर आप देखोगे तो उसमें कुछ केसेस बनाए गए हैं, कुछ सिचुएशन बनाई गई हैं जिसके अंदर आपको हर बार तीन चीज़ें निकालनी है। कॉस्ट के लिए क्या पेमेंट हो रही है, या कैश प्राइस के लिए क्या पेमेंट हो रही है, सेकंड इंटरेस्ट के लिए क्या पेमेंट हो रही है, और थर्ड टोटल क्या पेमेंट होगी। इसमें अगर आपने नोट्स में देखोगे तो सबसे पहला केस इसमें है जिसमें लिखा है व्हेन कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। अभी आप जो क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर आपको कैश प्राइस पता होगा, कैश प्राइस का मतलब समझे टोटल कॉस्ट आपको पता होगी, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया जाएगा जिससे कि आपको हर इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट फाइंड आउट करना होगा। तो मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर जो डेट और इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड हायर परचेज प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके अंदर सबसे पहले डेट डली हुई है वो है 1st of January 2010, उसके बाद है 31st of December 2010, 31st of December 2011, 31st of December 2012, और फिर 31st of December 2013। क्वेश्चन में लिखा है कि पेमेंट कैसे करनी पड़ेगी। पहले लिखा है डाउन पेमेंट, टाइप लिख देता हूँ कौन से टाइप की पेमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले डाउन पेमेंट है और बाकी सारी क्या है इंस्टॉलमेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। शुरू में जो पेमेंट होती है वो क्या होती है डाउन पेमेंट, और उसके बाद जो पेमेंट आपने करनी होती है वो क्या होती है इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट होती है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद इसके अंदर होगा कि अमाउंट आपने कितना दिया। ये अमाउंट आप जो देंगे वो नंबर 1 कैश प्राइस के लिए देंगे, कैश प्राइस का मतलब क्या हुआ एक्चुअल में कॉस्ट के लिए देंगे। दूसरी पेमेंट किसके लिए करेंगे इंटरेस्ट के लिए करेंगे, और इन दोनों को ऐड करके जो टोटल पेमेंट होगी उसे बोलेंगे हम हायर परचेज पेमेंट, टोटल पेमेंट होगी। चुकाने पड़ेंगे इतने पैसे, कॉस्ट के लिए इतने पैसे, और इसके अंदर हमें जो पेमेंट बताई जा रही है पहले 8,000 है जो कि कॉस्ट के लिए दी जा रहे हैं, क्लियर लिखा है, और उसके बाद फिर इसके अंदर फिर 5,000 रुपीज़ की इसके अंदर 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, टोटल 28,000 रुपये हुए। आपको नीचे गिवन भी है कि इस असेट का कैश प्राइस कितना था 28,000, मैच भी कर गया, कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, और कह रहे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो 10% चार्ज होगा। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बस इसमें अप्लाई करना है और हमें पता चल जाएगा कि कितने पैसे रियलिटी में चुकाने पड़ेंगे। नगद खरीदें तो ये चीज़ 28,000 की है, किस्तों पे थोड़ी महंगी पड़ेगी। सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लेना, जिस समय आप फाइनेंस कराने जाते हैं कुछ पैसा उसी वक्त आपको देना पड़ता है। अगर मैंने अभी एग्जांपल की बात की थी कि मैं 70,000 रुपये का एक स्कूटर खरीदने गया, तो मैंने उसी वक्त उसको कुछ पेमेंट की थी, कितनी पेमेंट की थी 20,000 रुपये, 20,000 रुपये मैंने उसी वक्त दी थी, जिसे टेक्निकल भाषा में क्या कहेंगे कि कौन सी पेमेंट कर दी डाउन। तो इसका मतलब मैंने उससे लोन कितना मांगा, बताइए कितना लोन मांगा, मैंने पूरे 70,000 रुपये का लोन मांगा,
नहीं, 70,000 की चीज में से 20,000 पे मैंने दे दिए, ये जो बैलेंस बचा 50,000 पे, रियलिटी में ये लिया है मैंने लोन, और जो इंटरेस्ट लगेगा वो लोन पे लगेगा, इस वैल्यू पे इंटरेस्ट दूंगा, इस पोर्शन पे काहे का इंटरेस्ट, ये तो मैंने तुम्हें दे दिए पैसे। तो जिंदगी में कभी भी डाउन पेमेंट के ऊपर ब्याज नहीं चुकाया जाता, क्योंकि डाउन पेमेंट हमारा पैसा है, हमने लोन नहीं लिया, लोन हमने ये लिया है, जो लोन लिया है उसी पे ब्याज भरेंगे। तो पहली बात तो मुझे पता है कि अगर आपने पहले डाउन पेमेंट किया तो ब्याज उस वक्त नहीं देना पड़ा होगा, और आपकी हायर परचेज पेमेंट भी रियलिटी में कॉस्ट के लिए की जाएगी, जो कि यहाँ पे कितनी होगी, 8,000, क्लियर है, कोई ब्याज नहीं लगा। बाकी का सारा पैसा जो आपका रह गया वो सब लोन हो गया। फिलहाल मैं यहाँ पे अगर लिखूँ फिगर तो 28,000 की चीज़ थी, दोबारा से अगर मैं यहाँ पे फिगर डाल दूँ तो चीज़ मैंने कितने की ली है, 28,000 रुपये की, जिसमें से डाउन पेमेंट कितनी कर दी है मैंने, 8,000 रुपये की डाउन पेमेंट कर दी है, इसका मतलब 20,000 रुपये का मेरे ऊपर लोन है, और जो लोन है उसी के ऊपर मुझे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और क्वेश्चन में लिखा है कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 10%। तो मुझे जो ब्याज भरना है वो लोन के ऊपर भरना है, और लोन अभी इस समय कितना है, 20,000, ठीक है, तो 20,000 का 10% ईयरली इंस्टॉलमेंट है, कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 2,000। तो मतलब जो पहली किस्त आएगी उसमें 5,000 तो मैं असेट की कॉस्ट के दूंगा, साथ में 2,000 एक्स्ट्रा दूंगा, और मुझे टोटल जो पेमेंट शॉपकीपर को करनी पड़ेगी वो कितने की करनी पड़ेगी, 7,000, ठीक है। ऐसा करने से मेरा लोन अगली बार कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जैसे ही मैंने ये 5,000 पे, ध्यान रखना ब्याज तो चाहे 100 साल भरते रहो, लोन तभी कम होता है जब लोन प्रिंसिपल के लिए आपने पेमेंट की हो। तो मैंने यहाँ पे जो पेमेंट की है उसमें प्रिंसिपल के लिए कितनी पेमेंट की थी, 5,000, टोटल भले ही 7,000 है लेकिन प्रिंसिपल के लिए कितने पेमेंट की थी, 5,000। तो अगली बार के लिए मेरा लोन चेंज होके कितना रह जाएगा, क्या 15,000 नहीं रह जाएगा? तो अगली बार जब मेरे को ब्याज देना पड़ेगा तो 20,000 के ऊपर नहीं देना पड़ेगा बल्कि 15,000 पे देना पड़ेगा, 10%, और 15,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,500 रुपये, और मेरी जो किस्त बनाई जाएगी वो कितने की बनाई जाएगी, 6,500 रुपये की, ठीक है। ये जो 6,500 भरे मैंने उसमें से 5,000 मैंने प्रिंसिपल के दिए, 1,500 रुपये का इंटरेस्ट दिया, प्रिंसिपल का पैसा जो दोगे उसी से लोन कम होगा, इंटरेस्ट से लोन कम नहीं होगा। तो मैंने अब फिर 5,000 पे कर दिए तो प्रिंसिपल अमाउंट घट के कितना आ गया, 10,000 आ गया, और अगर 10,000 आ गया तो लोन का इंटरेस्ट कम हो जाएगा, कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 1,000 रुपीज, और टोटल पेमेंट मेरी कितनी हो जाएगी, 6,000। इस बार मैंने 6,000 दिए लेकिन प्रिंसिपल के लिए तो 5,000 दिए, इसलिए लोन 5,000 से रिड्यूस होगा और मेरा बैलेंस अमाउंट कितना बचेगा, ₹5,000, और वो 5,000 बचेगा उस पर फिर से मुझे 10% कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ₹500, और इस बार जो किस्त बननी चाहिए वो कितने की बननी चाहिए, 5,500 रुपये की किस्त बननी चाहिए। तो जो चीज़ 28 की थी मुझे थोड़ी महंगी पड़ने वाली है, कितनी महंगी पड़ने वाली है, 5,000 पे मेरा टोटल इसके अंदर इंटरेस्ट लग गया। तो ये चीज 28 की थी, मेरे को उसके लिए टोटल कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, 33,000। जब तक मुझे ये डिटेल नहीं पता होगी तब तक मैं अकाउंट में एंट्री नहीं कर पाऊंगा, ये वर्किंग नोट होगा आपका, क्वेश्चन पूरा नहीं होगा, ये तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले का वर्किंग नोट होगा जिसमें आपको ये वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है, सबको समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज, इस कैलकुलेशन को आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, बड़ा आसान सा तरीका है, ज्यादा आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको ये तो बताइए कि आपका जो टोटल लोन था वो 8,000 के बाद होगा, तो आपकी जितनी भी किस्तें हैं उन सबका टोटल आप वैसे ही कर लो 20,000 पे, तो 20,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। अगली बार आपने एक पेमेंट कर दी तो आप फिर से बैलेंस का टोटल कर लो कितना बचा, 15,000, तो 15,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। जैसे जैसे पेमेंट होती जाएगी यहाँ से वैसे वैसे लोन घटता जाएगा, आपको ऐसे काट करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपका लोन घट के कितना रह गया, 10,000, तो 10,000 का 10%, 1,000, और लास्ट में कितना बचा, 5,000, तो 5,000 का 10%, 500। तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहीं से पता चल जाएगा। बस ये ध्यान रखना है जो भी इंस्टॉलमेंट है लोन उसी पे होगा, डाउन पेमेंट को छोड़ के सारी इंस्टॉलमेंट को जोड़ लो, लोन का अमाउंट आ गया, लोन का अमाउंट आ गया, उसके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लो। क्लियर है, कंप्लीट है ये क्वेश्चन।